हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। अब मैं अपना टेरिस का अपडेट भी दिखाऊंगी और मैं अपने गुड़हल के पौधे का के बारे में भी बताऊंगी कि मेरे गुड़हल के इस वाले पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और मैंने इसमें क्या डाला था। ये देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत फूल आ रहे हैं। कम से कम इसमें 12-13 फूल हैं। और देखें, मैंने इसमें डाला था वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग का लिक्विड फर्टिलाइजर और उसी से ही इतने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगी। और इसी के साथ एक ये वाला पौधा भी लग गया है, तो मैंने इसको इस तरह से चढ़ा दिया। इसके ऊपर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, सर्दी में भी इसके बहुत अच्छे फूल आते हैं। और अब तो देखो गर्मी है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस पे बीज बनने लगे हैं तो मैं इसके बीजों को भी हटाऊंगी नहीं। इसके देखो इस तरह से बीज आते हैं, ये देखें। तो इस तरह से मैंने इसकी केयर की है और इसको हफ्ते 15 दिन में कुछ भी फर्टिलाइजर बना के डाल सकते हैं। मैं तो इसको काउ डंग का और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा उसमें नीम खली मिला के, अब तो गर्मी है तो कम टाइम के लिए ही छोड़े घोल के और फिर उसको डाल दे थोड़ी सी गुड़ाई करके। उसी से ही इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। आगे आपको इतना कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और दिखाती हूँ मैं आपको अपने गार्डन का और भी दिखाऊंगी कि मेरे पौधे कैसे चल रहे हैं। मैंने बहुत दिनों से अपना टेरिस का अपडेट भी नहीं दिखाया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत तेज़ धूप है और अभी ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, पर धूप पे खड़ा नहीं हुआ है जा रहा। यहाँ के पौधे मैंने हटा दिए हैं, यहाँ के पौधे मैंने हटा के छाया में रख दिए हैं इस तरफ। इसीलिए ज़्यादा बिचा हो गया है क्योंकि इधर धूप थी, पौधे ख़राब हो रहे थे, तो मैं पौधों को ख़राब करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने इन पौधों को इस तरह से बहुत बिचे बिचे करके रख दिए हैं। और देखें मेरे पौधे इस तरह से, देखो इसमें स्नेक प्लांट में बेबी प्लांट भी आ गए हैं और ये मैंने रनर से ही लगाए हैं ये। और इसमें मेरी तुलसी जी है, ये मैंने कटिंग लगाई थी। और ये मेरे कटिंग है जो ग्रो हो गई है, अभी मैंने किसी में नहीं लगाया है। रिपोर्ट किया था, वीडियो नहीं बनाई, कटिंग से ही ग्रो किया है। बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं इस पर। इस पर कली आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने कली को काट दिया। इसको लगाए हुए हफ्ते 10 दिन तो हो गए, ग्रोथ भी अच्छी हो गई है इसकी। अब मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी गुलाब की, बस मुझे 3-4 ही दिख रही है सही, बाकी सारी ख़राब हो गई है। तो मेरे ये पौधे इस तरह से ही हैं। इतनी तेज़ धूप है कि खड़ा नहीं हो जा रहा। ग्रीन नेट के नीचे भी तेज़ धूप घमस हो गई है। और ये देखें, ये भी कटिंग रखी हुई है स्वीट पोटैटो वाइन की। और ये देखो, ये मैंने उसमें ये कटिंग लगाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, ये अजवाइन की। अब मैं इसमें से और कटिंग लगा दूंगी। और ये है, कितना अच्छा है, ये है डेविल बग, नहीं डेविल बग को नहीं, सॉरी इसका मैं नाम भूल जाती हूँ, हाँ डेविल बैकोनी है। और ये मेरे पास दो हैं, एक इस कलर का है और एक ये रहा। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये भी कटिंग से लगाया है, ये 2-3 साल पुराना हो गया है। ये पॉलीबैग में मैंने लगा दिया था। और ये देखें, ये दोनों ही कटिंग है। तो इस तरह से मेरे टेरिस का पौधे चल रहे हैं।
बस थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है। मैं सुबह इसके ऊपर पानी छिड़क के गई थी, उसके बाद जो हवा चलती है ना तो इसके ऊपर ऐसे धूल धूल जम जाती है, वो देखने में ना अच्छी नहीं लगती। देखो इसके ऊपर धूप आ रही है तो इसके पत्ते जल रहे हैं। मैं इसको यहाँ से या तो इसकी और छाया कर दूँगी या इसको हटा दूँगी यहाँ से, थोड़ा सा बाहर की तरफ रख लूँगी, क्योंकि इसके पत्ते इसको देखो किस तरह से धूप की वजह से ख़राब हो रहे हैं। बस थोड़ी सी आती कि थोड़ा ग्रीन नेट इस तरह से लगा हुआ है, अब नहीं आएगी। सुबह की आती है जब 9 बजे के आसपास, तो देख इसको मैं हटा दूँगी यहाँ से। और ये मेरा मनी प्लांट, और ये देखिए ये मैंने कटिंग से ही लगाया है डेफिनवेचिया को, तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास डेफिनवेचिया भी बहुत सारे हो गए, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो देखिए इसकी भी कटिंग कितनी अच्छी है। और ये स्पेटर प्लांट भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसको रनर से ही मैंने बहुत सारे बेबी प्लांट बना लिए हैं। इस तरह से होते हैं, इसके फूल भी आते हैं, बीज भी आते हैं इस तरह के, और इसको हम डिवाइड करके भी अलग अलग पौधे बना सकते हैं। और ये ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं या छाया में रखते हैं थोड़ा, तो इसकी पत्तियाँ अच्छी हो जाती है, नहीं तो ये इसकी पत्तियों की चमक थोड़ी ख़राब फीकी सी हो जाती है। पहले ये धूप में था 3-4 दिन, तो इसलिए ना इसका कलर थोड़ा ऐसा लग रहा है। अब मैंने इसको उठा के फिर से यहीं रख लिया। और ये वाला मैंने फिर से रिपोर्ट किया था, और मैंने इसके रिपोर्टिंग में अभी 15 दिन पहले मैंने इसमें DAP डाला था मिट्टी में मिला के 10-15 दाने, क्योंकि ये बहुत पुराना पौधा है। तो अब थोड़ी सी ग्रोथ इसकी अच्छी हुई है और थोड़ा छाया में रख दिया है मैंने। सुबह की धूप तो इन पौधों को सभी को लगती है, क्योंकि हमारी तरफ इस तरफ पूरब पड़ता है, इस तरफ से सूरज निकलता है, तो इसलिए सुबह की धूप अच्छी हो जाती है। अब कुछ पौधों में पानी नहीं है, पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो रहा है। अब मेरे को 2 बार ही पानी डालना पड़ता है, सुबह और शाम को भी आती हूँ मैं पानी डालने। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे कलर लग रहा है इनका। देखो ये आज ही खिला है तो इसलिए डार्क है, ये 2-3 दिन पहले का है मैक्सिकन पिटूनिया, तो ये लाइट कलर हो गया है। और मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी गुलाब की एक कटिंग, यहाँ पर भी लगी हुई है। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो इसको मैंने इसी तरह से छोड़ रखा है अभी। और ये देखें, ये है 1000 मदर प्लांट का, ये जिस पे ये फूल आ रहे थे। अब देखो इसके ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट हो गए फूलों के ऊपर, ये देखें फूल ख़त्म होने के बाद इस पर बेबी प्लांट बनने हैं, नहीं तो बेबी प्लांट इसके पत्तियों पे बनने थे। ये ऐसा फर्स्ट बारी हुआ है मेरे पास तो इन पौधों पर कि फूल आए हैं, फूल के बाद इनके ऊपर इसके बेबी प्लांट है। इनको आप लगा भी सकते हैं हटा के यहाँ से इस तरह से, तो और नहीं तो इस तरह से रहते हैं इसके बेबी प्लांट ऐसे। और ये है मेरा रियो का फ्रेंड। मैं यहाँ पे थोड़ा पानी का छिड़काव ज़्यादा नहीं कर पाती जैसे मोटर वगैरह चला के, क्योंकि जो हमारी छत है ना ये वाली जिस फ्लोर पे हम रहते हैं ये सिल्ली की बनी हुई है, तो मुझे डर लगता है कि सीलन वगैरह ज़्यादा ना चली जाए, नीचे फॉल सीलिंग वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादा छिड़काव नहीं करती हूँ जैसे मोटर वगैरह चला के, बाल्टी के पानी में लेके मग्घे से ही करती हूँ। उसके बाद ये धूल जम जाती है ना हवा चल के, ये इससे बहुत पौधे बेकार लगते हैं। और ये है मेरे रेसिना ग्रीन वाला, ये वाले पौधे मेरे बहुत सारे हो गए हैं, कम से कम 20-25 पौधे हो गए हैं। और ये है जेड प्लांट, ये देखें। और ये मैंने अभी कटिंग लगाई थी, ये स्वीट पोटैटो वाइन। इस वाइन के बारे में तो नर्सरी वाले भैया आए, उनको भी नहीं पता कि ये किस चीज़ है, क्या आता है इससे। उनको मैंने बताया तो वो बड़ा चंबा सा कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें फूल आता है जामनी कलर का। हमने कहा कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर शक्लगंध भी आती है। और फ्रेंड ये मैंने रिपोर्ट किया है, ये पॉली बैग में लगा हुआ था,
ये इस तरह का, ये मैंने छाई की वजह से यहीं छोड़ रखा है, कल शाम को किया था इसलिए यहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमको, हम हाउस वाइफ है, किचन का भी हमें काम होता है, घर का भी काम होता है, तो जो भी टाइम मिलता है किसी ना किसी टाइम पे अपने पौधों में लगे जाते हैं। और दिखाती हूँ, ये हाँ, और ये है पीला वाला कनेर, देखो इसके ऊपर कलियाँ भी आ गई हैं, ये फूल इस पर पिछली बार भी आए थे एक दो, पर मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। ये देखो इस पर भी कलियाँ आ गई हैं और इस पर भी कलियाँ आ रही हैं, एक दो दिन में फूल हो जाएंगे। ये गुड़हल का, गुड़हल की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अभी मैं आपको वाला पौधा भी दिखा देती हूँ जो मैंने रिपोर्ट किया था, ये मैंने रिपोर्ट किया था इस बाल्टी में, तो इसकी ग्रोथ भी ठीक है, अच्छी लग रहा है देखने में। अब इस पर कलियाँ थोड़ा सा सही से होने लगी हैं, ये और ये कनेर, ये कनेर को मैंने पूरा काट दिया था यहाँ से। जब हमारे फूलों में कोई पौधा, फूल खराब हो जाते हैं ना फूल वाले पौधे में, तो उसको हटाते रहना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो हमारे पौधे की एनर्जी वैसे ही लेता रहता है। बस इसको एक पानी, तो इसको हम फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, एक पानी में, मग्घे में पानी भर के रख लो और जो भी हमारे फूल खराब होते हैं तो उसमें डाल के अपने पौधों को दो, तो वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है। मैं तो ज़्यादा कर तोड़ती हूँ तो गमलों में ही डाल देती हूँ, क्योंकि जल्दी से सूख जाता है ये। और देख ले, मैंने ये छोटा सा टावर बनाया है अपने यहाँ पे इस तरह का, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ जगह नहीं थी, तो मैंने इसी पे ये मॉस रोज और चूल्हा के ये कटिंग लगा दी इसमें। दिखाती हूँ अभी दूर से इस तरह का, और ये देखिए फ्रेंड, इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मैक्सिकन पिटूनिया पे, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पर इतने फूल आ रहे हैं कि बहुत फूल से भरा हुआ है ये। ये मैंने किसी फ्रेंड को भी दिया है, उन्होंने देख लिया सामने से, तो मैंने एक पौधा लगा हुआ था छोटे से पोट में, तो मैंने उसी में से उनको एक पोट दे दिया। फ्रेंड इसके बारे में मुझे बताना कि मेरे पौधे में ऐसी क्या, ये क्या डालूं जो कि ये पौधा ठीक हो जाए। देखो पता नहीं किसने, कीड़े ने इसको खाया है, ये देखिए पत्तियों को खा रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। और ये है सावनी का पौधा, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, ये पिंक कलर का है, पिंक था, जामनी था, वाइट था। अब देखती हूँ कि जो दूसरा है वो कैसा है, दो और हैं, एक तो यहीं पे है वो लगा हुआ सामने मग्घे में, और दूसरा ये एक नीचे रखा है। तो और इस पे देखो फूल भी अच्छे आ रहे हैं इस पे, अपराजिता पे, और ये एक इसमें लगा हुआ है बड़ा सा, एक बाल्टी जैसा ही है ये। और ये है रेड लिली, और देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये मैं इसको किसी और में लगा लूँगी। और ये मैंने ना तोरी के एक बीज रखे थे, ये मैंने वो ग्रो किए हैं, किए तो मैंने 3-4 थे, पर एक ही आया है ये वाला, एक और था किसी में, एक ये यहाँ पे। और फ्रेंड मैं ना किचन वेस्ट को और गार्डन के इसको कचरे को मैं इस तरह से भर देती हूँ, ये मैं कोई भी मिट्टी डाल के कोई भी पौधा उगा सकते हैं, मैं तो इस तरह से ही गार्डनिंग करती हूँ। और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, इसमें तीनों कलर लगे हुए थे, ये जब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो ये पानी के बिना रह गया और ये पूरा सूख गया। अब मैं इसको उखाड़ने वाली थी तो देखा तो इसके अंदर ग्रोथ हो गई, तो मैंने ये फिर से लगा दिया और मैंने इसके अंदर फंगिसाइड डाल दिया था। तो अब देखें, अब इसकी ग्रोथ सही है। अब ये देखें इस तरह से,
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।